मोदी राज में कम हुआ भ्रष्टाचार। जी हां, पिछले एक साल में देश के कई राज्यों में घूसखोरी के मामलों में कमी आई है और 20 राज्यों में यह सर्वे किया गया जिसमें यह दावा हुआ है कि 10% कमी इस भ्रष्टाचार में आई है। तो अब मोदी राज में भ्रष्टाचार पर कमी जो है वो होती दिख रही है और घूसखोरी के मामलों में 10% कमी आई है देश के 20 राज्यों में किए गए एक सर्वे में। ये दावा किया गया है कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरल, गोवा, ओडिशा के लोगों ने सर्वे में ये माना है कि उनके यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में कम हुए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में ये भ्रष्टाचार कम हुआ है। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगा है। कई राज्यों में भ्रष्टाचार में पिछले साल के मुताबिक कमी आई है। एक साल में देश में घूसखोरी के मामलों में 10% कमी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है कि देश के 20 राज्यों में किए गए एक सर्वे में ये दावा हुआ है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कम हुआ भ्रष्टाचार, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। तो 180 देशों की लिस्ट में भारत को 78वां स्थान मिला है। तो 10% कमी यहाँ पर आई है घूसखोरी के मामलों में। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 3 पायदान सुधार हुआ है। तो 248 जिलों के 1,90,000 लोगों से बात की गई है। तो भ्रष्टाचार पर किस तरह लगाम लगी है ग्राफिक्स के जरिए और किस विभाग के कितना भ्रष्टाचार, ये अब ग्राफिक्स के जरिए संपत्ति। तो पुलिस महकमे की हिस्सेदारी 19% कम हुई है। तो ये आपको भ्रष्टाचार हम बता रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी 13%, तो वही ट्रांसपोर्ट विभाग की हिस्सेदारी 13%। तो किस विभाग में कितना भ्रष्टाचार, ये भी ग्राफिक्स के जरिए। तो पिछले एक साल में देश के कई राज्यों में भ्रष्टाचार में कमी आई है। 20 राज्यों में सर्वे किया गया और इसी सर्वे के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि 10 राज्यों में ये 10% कमी यहाँ पर देखने को मिली है। ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको दिखाया। तो घूसखोरी के मामलों में 10% कमी आई देश के 20 राज्यों में किए गए सर्वे में। ये दावा किया गया है कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरल, गोवा, ओडिशा के लोगों ने ये सर्वे माना है।